नमस्कार दोस्तों, सूरजमल राठौड़ आप सभी का मैं YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं कुछ मिक्स प्रश्न लेकर आया हूं जो हर परीक्षा में काम आने वाले क्वेश्चन हैं। तो आपके सामने 20 प्रश्न होंगे और बहुत सारी परीक्षा में ये वाले प्रश्न जो पूछे गए हैं उनकी बात मैं करने वाला हूं। तो देखिए, हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि क्या है पहला क्वेश्चन। मोहम्मद इकबाल ने अपनी किस पुस्तक में इनकलाब शब्द का प्रयोग किया? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद इकबाल के द्वारा सबसे पहली बार जो इनकलाब शब्द का प्रयोग किया गया था वो पुस्तक का नाम पूछा गया, तो उस पुस्तक का नाम है बंग ए दर्रा। दूसरा क्वेश्चन यह है कि किसानों को अपने कृषिजन्य क्षेत्र भाग पर नील खेती करनी होती थी तो वह इस पद्धति को किस नाम से जानते थे? तो 3/20 20वें भाग पर वो कृषि करते थे। किसानों को अपने कृषिजन्य क्षेत्र में कितने भाग पर नील की खेती करनी होती थी वो था 3/20 भाग, और जिस को किस नाम से जाना जाता था, उस पद्धति को नाम जाना जाता था तीन कटिया पद्धति के नाम से उसे जाना जाता था। उसके बाद में हम बात करें अगला क्वेश्चन कि कब व किसने बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व संभाला? किसान सत्याग्रह का नेतृत्व संभाला 4 फरवरी 1928 को वल्लभ भाई पटेल ने इसका जो नेतृत्व है वो किया और उसको पूरी तरीके से संभाला। चौथा क्वेश्चन है, मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने किस पुस्तक की रचना की? तो ब्राहीन ए महमदिया पुस्तक की रचना उन्होंने की है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब और किसने की? 1867 ईस्वी में रानाडो ने इसकी स्थापना की है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात हम करें, पांचवा क्वेश्चन है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की है? तो हमने पढ़ी लिया है कि 1867 ईस्वी में रानाडो ने किया। कौन सा कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा कॉलेज अलीगढ़ मुसलमान विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। दास प्रथा पर प्रतिबंध कब और किस गवर्नर ने किया? दास प्रथा पर प्रतिबंध 1843 ईस्वी में एलन ब्रो ने इस दास प्रथा के ऊपर प्रतिबंध किया है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करें, आधुनिक हिंदी भाषा के पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र कहा जाता है, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भी उसे कहा जाता है और खड़ी बोली का विकास करने वाले लेखक भी उन्हें कहा जाता है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस के जनक व भारत का पहला समाचार पत्र माना जाता है। प्रिंटिंग प्रेस आपका है वो पुर्तगाली और द बंगाल गजट पहला समाचार पत्र माना जाता है। किस पत्र का संपादन बाल गंगाधर तिलक ने किया था? केसरी 1861 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। उसके साथ साथ हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, 11वां जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका कि समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने वाला व प्रतिबंध हटाने वाला गवर्नर जनरलों के नाम लिखिए। लॉर्ड बेलेजली जिन्होंने प्रतिबंध लगाया था और लॉर्ड हेस्टिंग्स जिन्होंने इसके ऊपर प्रतिबंध हटाया था। लॉर्ड बेलेजली और लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये इन दोनों ने, एक ने लगाया और एक ने हटाया। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता माना जाता है, चार्ल्स मेटकॉफ को इसका मुक्तिदाता माना जाता है। आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। 14वां क्वेश्चन है, प्रीवेशन सिद्धांत का अन्य नाम व इस कार्य को करने वाले गवर्नर कौन थे? तो इसका अन्य नाम आपको अधोमुखी निष्पंदन सिद्धांत है और ऑकलैंड मैकलो इसके गवर्नर थे। 15वां क्वेश्चन है, कैब का पूरा नाम और इसको पहली बार गठन कब हुआ? कैब का पूरा नाम है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड कैब, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड 1920। 16वां क्वेश्चन, देश प्रेम धर्म है और धर्म भारत के प्रति प्रेम है, यह कथन किस व्यक्ति का? बंकिम चंद्र चटर्जी का ये पंक्तन है कि देश प्रेम है और धर्म भारत के प्रति प्रेम है, यह कथन बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। जहाँ विचारों की स्वतंत्रता अधिक विकसित नहीं होती वहाँ सभ्य जीवन नहीं हो सकता, यह कथन किसका? सर सैयद अहमद खान का ये कथन है कि जहाँ विचारों की स्वतंत्रता अधिक विकसित नहीं हो सकती
वहाँ सभ्य जीवन जीना हो सकता है, ये कथन है सर अहमद का। 18वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? बुड अठारह सौ चौपन का जो बुड डिस्पैच है उसको कहा जाता है। 19वां क्वेश्चन, और अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम से संबंधित है, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम से संबंधित अरविंद घोष। और उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की बात करें, महाराष्ट्र का सुकरात व नील आयोग का अध्यक्ष कौन है? महाराष्ट्र का सुकरात व नील आयोग के अध्यक्ष कौन है? गोविंद रानाडो महाराष्ट्र के सुकरात और नील आयोग के अध्यक्ष हैं, वी एस सीटन। उसके बाद हम बात करें, किस्मा प्रताप नामक हिंदी समाचार पत्र का प्रकाशन कब और किसने किया? गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया है। तो ये थे हमारे आज के 21 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और अभी तक आज चैनल ने आप लोग को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।